नमस्कार मित्रों, मैं विकास शिक्षा अवसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा पर्यावरण की श्रृंखला का यह आखिरी वीडियो है। दोस्तों, मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पर्यावरण से संबंधित, और ये हमारा 6ठा वीडियो होगा, और 6ठे वीडियो में हम पूरे पर्यावरण को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों, बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पति हैं, जितने भी पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो इनका रहन सहन तथा इनका निवास स्थान तथा इनके जीवन जीने की जो शैली है, इनके जो भोजन तंत्र है, उस सभी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों, पहले पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम उपयोग या नाम किसने लिया, ये बहुत सी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का नाम सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा लिया गया था। तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम नाम रेटर ने लिया था, और रेटर ने यह नाम लिया था 1868 को। 1868 को रेटर ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का नाम लिया था, उपयोग में उसको बोला था। तो रेटर ने 1868 में पारिस्थितिकी तंत्र का नाम लिया। अब बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की। अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर आगे बात करें दोस्तों, तो यह दो भागों में, इसके दो घटक होते हैं, दो घटक पारिस्थितिकी तंत्र के। दोस्तों, दो घटक होते हैं। कौन कौन सा? दोस्तों, पहला घटक होता है जैविक घटक, और दूसरा होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक पहला है जैविक घटक, और दूसरा है अजैविक घटक। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैविक घटक किसे कहते हैं। दोस्तों, उस नाम से पता चल रहा है जैविक। जैविक का मतलब जीव, जैविक का मतलब जीव, जीव का मतलब जहां पर हम जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वनस्पति के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि जब हम जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वनस्पति के बारे में जब वर्णन करते हैं, तो उसे रखते हैं जैविक घटक में। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जैविक शब्द में एक शब्द छुपा हुआ है, वह शब्द है जैविक। तो जैविक में जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं तथा वनस्पति आती है। और यहाँ पर आप आसानी से देखते हैं दोस्तों कि अजैविक, अजैविक का मतलब जिसके अंदर जीव नहीं होता है। तो हम सर्वप्रथम दोस्तों जैविक घटक के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक, अब इस पूरे जैविक घटक को पढ़ने के लिए हम तीन चीजों को पढ़ना जरूरी है। अगर हम तीन चीजों को पढ़ लेंगे तो हमें जैविक घटक को समझ में आ जाएगा। या फिर जीव जंतुओं से संबंधित तीन भाग होते, वनस्पतियों से संबंधित तीन भाग होते, अगर हमने उसको पढ़ लिया तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों कि जैविक घटक में अपनों को क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। सर्वप्रथम पढ़ना पड़ेगा उत्पादक, उत्पादक। दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों उपभोग, उत्पादक। तीसरा उपभोग, दूसरा। और तीसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें अपघटक। सर्वप्रथम उत्पादक, दूसरा उपभोग, और तीसरा अपघटक। जैविक घटक में हम तीन चीजों को पढ़ते हैं, कौन कौन सा? उत्पादक, उपभोग और अपघटक। दोस्तों याद रखेंगे आप,
इन तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप सभी लोग इन तीनों को आसानी से और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, किसी प्रकार से कोई बर्डन मत लीजिएगा और आराम से इन तीनों को पढ़ना। तो बात करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम उत्पादक की। उत्पादक दोस्तों, उत्पादक में हम उस उनको रखते हैं जो प्रकाश के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। उत्पादक में वो आते हैं जो प्रकाश के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं तथा उस भोजन को दूसरा जीव खाता है। यानी आप देखेंगे सर्वप्रथम कि पेड़ पौधे प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब जब पेड़ पौधे प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं तो इन पेड़ पौधे या फिर वनस्पति अपन बात करें तो वनस्पति, अब इन पेड़ पौधों और इन वनस्पतियों का जो ग्रहण, जो व्यक्ति अगर पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसके द्वारा जब भोजन बनाते हैं, वो भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे और वनस्पति बनाते हैं। आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर वनस्पति होती हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये अपना भोजन किस, सूर्य के प्रकाश से। आपने एक शब्द सुना हो ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते हैं मतलब उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें पेड़ पौधे तथा उसके वनस्पति आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उपभोग की। उपभोग, अब इसमें अगर देखें दोस्तों उपभोग में, तो उपभोग की अगर बात करें तो इस उपभोग को हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे। तीन कैटेगरी, प्राथमिक उपभोग, द्वितीयक उपभोग और तीसरा आता है तृतीयक उपभोग। सर्वप्रथम प्राथमिक उपभोग, दूसरा द्वितीयक उपभोग और तीसरा तृतीयक उपभोग। उपभोग को हमने तीन कैटेगरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखते हैं दोस्तों कि प्राथमिक उपभोग में कौन आता है। बात करते हैं प्राथमिक उपभोग की। प्राथमिक उपभोग, अब बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोग, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों ने जो अपना भोजन बनाया, अब उन पेड़ पौधों को और उन वनस्पतियों को जो खाता है, जो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वह आता है प्राथमिक उपभोग में। जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में खाता है वह आता है प्राथमिक उपभोग में। और ऐसा कौन है? गाय। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोग का है? तो गाय, भैंस, बकरी, खरगोश तथा हाथी। गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, अब ये सभी पेड़ पौधों से अपना भोजन बना रहे हैं,
अपना भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोग में। जितने भी आप देखते हैं ना, जो ऐसे जो जीव जंतु होंगे जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे या फिर घास जो होती हैं, जो अपन कहते हैं ना कि जो घास खा रहे हैं, जो पेड़ पौधे की जो वनस्पति को जो रूप में फल के रूप में खा रहे हैं, पत्तों के रूप में खा रहे हैं, वे सभी जो जीव होते हैं ना दोस्तों, वे जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोग में आते हैं। वो होंगे प्राथमिक उपभोग। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोग की। अब बात करते हैं दोस्तों अपन द्वितीयक उपभोग की। द्वितीयक उपभोग, अब द्वितीयक उपभोग में कौन होंगे, ऐसे जीव जो मांसाहारी है, ऐसे जीव जो मांसाहारी है, यानी ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोग में जो जीव हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, या फिर ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम द्वितीयक उपभोग में रखते हैं। उदाहरण के तहत अगर बात करें तो मेंढक, सांप, अपने मेंढक और सांप देखा हो ना, मेंढक जो होता है वह भी क्या होता है कि दूसरे जीवों को खाता है, सांप जो होता है वो भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाता है, आपने झिंगूर का भी नाम सुना होगा दोस्तों, झिंगूर भी जो छोटे मोटे जो कीट पतंग होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि उसमें मछली को भी अपन ले लेते हैं, मछली भी आपने देखी होगी दोस्तों जो छोटी मछलियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें अपन कहते हैं द्वितीयक उपभोग। क्या कहते हैं दोस्तों उसे, द्वितीयक उपभोग। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोग की। तृतीयक उपभोग, अब दोस्तों तृतीयक उपभोग में भी मांसाहारी आता है दोस्तों, मांसाहारी जो जीव होते हैं दोस्तों वे जीव ही आपके द्वितीयक तृतीयक उपभोग में आते हैं, लेकिन मांसाहार जीव में भी ऐसे जीव, मांसाहार जीव में भी ऐसे जीव जो मांसाहारी जीवों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी ऐसे जीव जो मांसाहार जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करे उसे अपन तृतीय उपभोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तहत दोस्तों सांप, अब ये जो सांप जो होता है यह सांप किसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यह चूहे को करता है, चूहे को कर रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यह सांप मांसाहारी हुआ, यह सांप मांसाहारी क्योंकि चूहे को ग्रहण करना है। अब इस सांप को बाज जो होता है, अब यह बाज अपने भोजन के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो अब यह बाज तृतीयक हुआ कि नहीं हुआ, तृतीयक उपभोग हुआ कि नहीं हुआ, यह सांप मांसाहारी जीव, ठीक है। अब इस मांसाहारी जीव को यह बाज भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, यानी बाज क्या हो गया, तृतीयक उपभोग, यानी तृतीयक उपभोग में मांसाहारी जीव ही आते हैं, लेकिन ऐसे जीव जो पहले मांसाहारी हैं, यानी सांप, सांप मांसाहारी है तो बाज उसको खाता है, तो बाज क्या हो गया, तृतीयक उपभोग हो गया। अब मांसाहार में एक और शब्द आता है दोस्तों, एक और टर्म आती है, उसके बारे में अपन लगे हाथ बात कर ही रहते हैं दोस्तों। अब वह शब्द होता है उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, अब बात करते हैं दोस्तों कि उच्च मांसाहारी में कौन आएंगे।
सबसे पहले बात करते हैं उच्च मांसाहारी होते क्या कौन है। दोस्तों ऐसे मांसाहारी जीव जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन वे जीव किसी तीसरे जीव का उपभोग यानी तीसरे जीव का भोजन नहीं बनते। यानी ऐसे बड़े जीव जो दूसरे छोटे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन उन बड़े जीवों को कोई तीसरा जीव भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करे। शायद आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा आपको जल्द से समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तहत बाघ। अब यह बाघ मांसाहारी है, दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता, लेकिन बाघ को कोई नहीं खा सकता, बाघ का शिकार कोई नहीं करता, खाने के रूप में कोई नहीं करता, इसको कोई उपभोग नहीं करता। बाघ के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मगरमच्छ, फिर उसके बाद का तो चीता। तो ये ऐसे जीव हैं दोस्तों जो आपके उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्च मांसाहारी। तो दोस्तों मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और उच्च मांसाहारी के बारे में बताया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब तीसरा जो भाग है हमारा प्राथमिक उत्पादक उपभोग का हो गया, उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया। अब तीसरा जो बचा है हमारे पास वो है अपघटक। तीसरा अपघटक। अब बात करते हैं दोस्तों अपघटक किसे कहते हैं। अब सबसे पहली बात है कि अपघटक को मृत जीवी भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि किसे मृत जीवी कहा जाता है, तो अब घटक को मृत जीवी कहा जाता है। अब मृत जीवी होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब कोई जीव मर जाता है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अपन बोलते हैं ना कोई व्यक्ति मर गया तो उसके अंदर कीड़े पड़ गए, सड़ने लग गया, ठीक है, तो उसका अपघटन होने लगता है। उसके अंदर कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, वह क्या करते हैं उस व्यक्ति को खाने लगते हैं। जैसे कि कोई पेड़ जो होता है, पेड़ भी जीव है, अगर वो कट जाता है तो वह सड़ने लगता है। कोई व्यक्ति मर जाता तो वह सड़ने लगता है, ठीक है। कोई जीव होता है जो मर जाता है वो उसके बाद सड़ने लगता है। तो जो सड़ने लगता है ना वो किसी जीव के द्वारा सड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरने वाले जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं मृत जीव और इसे कहते हैं अपघटक। और यह जो अपघटक होता है ना हमारे पूरे पर्यावरण के साइकिल को बना के रखता है। तो दोस्तों यह अपघटक, तो मैंने अभी आपके सामने पूरी जो श्रृंखला है जैविक घटक की, वह जैविक घटक को बता दिया। अब पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरा घटक जो है वह है अजैविक घटक। अब बात करते हैं अजैविक घटक जो जीव नहीं है लेकिन पर्यावरण में तथा पारिस्थितिकी में अपना अहम योगदान देते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों अहम योगदान देने के लिए प्रकाश, बिना प्रकाश के पारिस्थितिकी तंत्र पूरा नहीं हो सकता, फिर उसके बाद ताप, फिर इसके बाद वर्षा, फिर नमी। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि इन चारों में से एक भी जीव नहीं है। अगर आप देखो इन चारों में से एक भी जीव नहीं है तो क्या इसे हम अजैविक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते अजैविक। और इन चारों के बिना आपका पारिस्थितिकी तंत्र पूरा नहीं हो सकता। तो आपको मैंने बताया था ना दो घटक, जिसमें से जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जो जैविक घटक था उसमें सारे जीव, जिसमें प्राथमिक, उपभोग, द्वितीयक सारी चीजें आ गई, ठीक है। अजैविक जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है उसमें प्रकाश, ताप, वर्षा और नमी है। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है कि ताप किस प्रकार का घटक है, तो अजैविक घटक है। वर्षा किस प्रकार का घटक है, तो अजैविक घटक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने पूरा
की तरह तो जो टू द पॉइंट जो अपने एमपीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप सबके सामने डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों ये आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और साथ में पर्यावरण की श्रृंखला को भी मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरी अगली श्रृंखला संविधान से रहेगी। तो दोस्तों हम अगली श्रृंखला में भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे और एमपीपीएससी में इसके प्री में ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए मैं पर्यावरण पॉलिटी को शुरू कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शिक्षा ऑप्शंस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।